हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। बेसिक कंप्यूटर निदेशक सीधी भर्ती परीक्षा यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा जो कंप्यूटर टीचर यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी 18 और 19 जून को, जिसमें कि 18 जून को जो आपके पेपर हुआ था, सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर, दोनों पेपर आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाए गए हैं। बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसके आधार पर ये पूरा मास्टर पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है। और फर्स्ट पेपर जो आपका हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 118A का। ये 118B है, ठीक है दोस्तों। और 118A जो पेपर है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सेकंड पेपर है आपके कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का 18 तारीख का, यानी कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो भर्ती हुई थी उसका आपके ये सेकंड पेपर है। और इसकी आपके फाइनल ऑफिशियल जो आंसर की बोर्ड ने जारी की है उसके आधार पर आपको पूरा मास्टर पेपर मिल रहा है। फाइनल आंसर की जैसे जारी होती है उसके आधार पर भी आपको पेपर सॉल्यूशन जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। और जैसा कि आपको मैंने पहला जो पेपर हुआ है उसमें कई क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं उस और वो मैंने बता दिए हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको यहाँ मिलते रहते हैं चैनल पर, तो यूट्यूब पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। पहला क्वेश्चन जैसे कहा गया है, कक्षा में किसी भी विषय से संबंधित कठिन अवधारणाओं को समझने संबंधी समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए किस प्रकार का शोध किया जा सकता है। पहले प्रश्न में आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्रियात्मक शोध। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, विद्यार्थियों में समीक्षात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावशाली है। दूसरे प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, आगमन निगमन विधि। और तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं, तीसरे क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है, आपके ध्यान में आया कि आपके कक्षा के दो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके कारण कक्षा प्रबंधन में कठिनाई आती है, आप क्या कदम उठाएंगे। तीसरे प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, उन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट देकर उनका लगातार अवलोकन करेंगे। और चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, चौथे क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है, निबंधात्मक प्रश्नों का अनुप्रयोग निम्न में से किसकी जांच हेतु किया जाता है। चौथे प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यहाँ उपरोक्त सभी तुलना करने हेतु व्यक्ति की योग्यताओं की जांच हेतु सिद्धांतों का नया और परिस्थिति में अनुप्रयोग और विचारों के संप्रेषण हेतु, ऑप्शन नंबर डी सभी। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है, स्नेहा को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन जो है वो 16 जून से पहले लेकिन 11 जून के बाद है, जबकि उसके छोटे भाई को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 13 जून के बाद लेकिन 18 जून से पहले, और उसके बड़े भाई को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्मदिन एक सम तारीख को है, जून में किस तारीख को निश्चित रूप से उसके पिता का जन्मदिन है। पाँच नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 14 तारीख को। आगे आ जाते हैं अगले पर, छठे क्वेश्चन पर, PQRSTU एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, RP और T के बीच बैठा है, S अंतिम छोर पर नहीं है, QT के एकदम दाई ओर बैठा है, U दाई छोर पर नहीं है, R के एकदम बाई ओर कौन है। छठे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा, छठे में ऑप्शन नंबर ए पी। और सातवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सातवें क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कथन दिए हुए हैं, कथन ए है, शिक्षण एक कला है, और बी चित्र बनाना भी एक कला है। तो यहाँ पर सातवें प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा सी, सी के अनुसार न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण यहाँ करता है। तो अगले पर आ जाते हैं, सातवें क्वेश्चन पर के बाद में आठवें पर आ जाते हैं। आठवें क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है, ये डायग्राम दिया गया है, निम्नलिखित पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन करें, उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर कहा गया है, यदि क्षतिग्रस्त कन्नड़ पुस्तकों की संख्या 92 है तो पुस्तकालय में अंग्रेजी पुस्तकों की कुल संख्या होगी। तो यहाँ पर आपके आठवें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 4000, ऑप्शन नंबर डी 4000। नवे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नवे क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है, नवे क्वेश्चन में आपके यहाँ दोस्तों कहा गया है, नवे में जैसा कि यदि पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है, और पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो पी क्यू का भांजा है को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर नवे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, पी भाग आर प्लस क्यू। और दसवां क्वेश्चन है, निम्न संख्या श्रेणी का गलत पद ज्ञात कीजिए, इसमें गलत पद कौन सा है, डी आ जाएगा इसमें, 125, ऑप्शन नंबर डी 125। 11 पर आ जाते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है, यदि
हवा को हरा कहा जाता है, हरे को लाल कहा जाता है, लाल को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को नीला कहा जाता है, नीले को जल कहा जाता है और जल को गुलाबी कहा जाता है, तो घास का रंग कैसा होगा? 11वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, लाल। 12वें पर आ जाते हैं, 12वें क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है आपके निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के कुछ जोड़े दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर सभी जोड़ियों के शब्द एक निश्चित संबंध रखते हैं, विषम जोड़ी चुनें। 12वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्णय अधिवक्ता। निर्णय अधिवक्ता दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप पेपर सीरीज मिलान कर रहे हैं 118 बी को देख करके, तो आपको बता देना चाहूँगा 118 बी जो पेपर है वो आपके यहाँ पेपर जो रहेगा वो आपके कंप्यूटर जो आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है उसका आपके सेकंड पेपर का कोड है 118 बी। और अगर आपका पेपर का कोड जो देखना चाहते हैं वो इसके ठीक बगल में यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है इससे आप मैच कर सकते हैं। और ये आपको मिलान कैसे करना है ये मैंने फर्स्ट पेपर में बता दिया है, वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन पर। 13वें नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है एक बाइनरी ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सर क्या होगा, ट्रेवर्सर क्या होगा यदि टी का प्री ऑर्डर तथा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्रमशः ABCDEF और BADCFE है। तो 13वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BDFECA एक नंबर। 14वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 14वें नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है निम्न में से कौन सी ईमेल प्रोटोकॉल इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाने में प्रयुक्त होती है। 14वें नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आप यहाँ पे SMTP। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक SANS SERIEF फ्रंट है, तो यहाँ पर 15 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा ए, एरियल ARIAL। अगला है 16वें नंबर का क्वेश्चन, और इसमें जैसे कहा गया है निम्न में से कौन सी एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर 16वें नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा AMIGA अमीगा SGI। और अगला क्वेश्चन आ जाता है 17वां नंबर का क्वेश्चन, इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का उचित फाइल एक्सटेंशन नहीं है, कौन सा नहीं है, 17वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी .rar, ये एक रेयर फाइल होती है, ये विन फाइल होती है, विनरार कहते हैं जिसे हम, और जिप फाइल भी कहा जाता है जिसे। तो 18वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 18वें नंबर के क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है की के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर ये कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन से सत्य हैं, तो 18 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, एक और दो दोनों सत्य हैं, एक सुपर की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स का संयोजन है जो RDBMS टेबल में रिकॉर्ड्स की यूनिक पहचान करती है, दो कैंडिडेट की सुपर की का एक उपसमुच्चय होती है। 19 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा NOSQL का प्रकार नहीं है, 19वें नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा 19वें डी QBASE। और 20 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है XML के अनुप्रयोग के बारे में सबसे सटीक कथन की पहचान करें, तो यहाँ पर आपके 20 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यहाँ पर XML का उपयोग पदानुक्रमित रूप से संगठित जानकारी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 21 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है RDBMS में भौतिक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, 21 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रिगर। और 22 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, उपसर्ग अभिव्यक्ति प्लस माइनस गुणा 3 2 I 8 4 1 का परिणाम क्या है, तो यहाँ पर 22 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा पाँच। और अगले पर आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कथन में त्रुटि है, तो यहाँ पर आपके 23 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यहाँ सेलेक्ट EMPID वेयर EMPID बराबर 10009 तथा लास्ट नेम इक्वस टू GELLER। 24वां क्वेश्चन, एनक्रिप्शन में रूपांतरित होने वाली जानकारी क्या है, 24 नंबर के क्वेश्चन में आपके ऑप्शन जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा ए प्लेन टेक्स्ट। 25 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कहा गया है 25 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है DFD में एक ब्लैक होल होता है, तो यहाँ पर आपके 25 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसा डेटा स्टोर जिसमें
केवल बाह्य प्रवाह होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है। 26 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोकोमो मॉडल, कोकोमो मॉडल। 27वां क्वेश्चन, 27वें क्वेश्चन में कहा गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध मास्टर व्यू विकल्प नहीं है। 27 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटलाइन मास्टर, आउटलाइन मास्टर ऑप्शन बी। और 28 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 28 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है 28 में एक्सेल 2016 में कॉलम जी और एच के बीच तीन कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे। 28 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके तीन बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। अगला आ जाता है यहाँ पर 29, और इसमें कहा गया है एक आईपी पैकेट पहली 8 बिट्स जो कि 01000010 है के साथ आ गया है, इनमें से कौन सा सही है। 29 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यहाँ रिसीवर पैकेट को अस्वीकार करता है। 30, निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जिसमें टू एन इनपुट लाइन और सिंगल आउटपुट लाइन है। 30 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन नंबर ए मल्टीप्लेक्सर। और अगले पर आ जाते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पर। 31 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है, 31 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है वेब पेज ट्रांसफ़र के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। 31 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, HTTP ऑप्शन नंबर बी। 32 पर आ जाते हैं, इसमें कहा गया है वाईफाई और वाईमैक्स तकनीक के संबंध में सही कथन है। 32 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा सी, सी के अनुसार मिलान कर लेते हैं, केवल एक और तीन, एक वायरलेस कनेक्शन बनाने के लिए वाईफाई रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, वाईमैक्स कनेक्शन देने के लिए स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है, तीन वाईमैक्स वाईफाई की तुलना में तुलनात्मक रूप से बड़े क्षेत्र को कवर करता है। और अगला आ जाता है आपके 33, इसमें जैसा कि यहाँ कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से XML के संबंध में सही कथन है। तो यहाँ पर आपके 33 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, केवल दो और चार दो XML का उपयोग डाटाबेस के तौर पर भी किया जा सकता है। चार XML डेफिनेशन का उपयोग XML के साथ किसी अन्य डॉक्यूमेंट के साथ लिंक को उल्लिखित करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं अगले पर, 34 पर आ जाते हैं, और जैसा कि इसमें कहा गया है 34 में दिए गए बाइनरी सर्च ट्री पर विचार करें, यदि रूट नोड डिलीट कर दिया जाए तो नया रूट हो सकता है। तो यहाँ पर 34 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 48 और 59। 35 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 35 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है दी गई इक्वेशन का प्रीफिक्स नोटेशन क्या होगा। तो ये आपके इक्वेशन दी हुई है ए प्लस बी बटा सी गुणा डी ई माइनस एफ। तो यहाँ पर 35 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों सी माइनस प्लस ए गुणा बी सी डी ई एफ, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 36 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है, 36 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है दोस्तों, जैसा कि स्टैक का उपयोग करके कार्यान्वित निम्नलिखित स्टैक पर विचार करें। तो ये दिया हुआ है शीर्ष पर अधिकतम मूल्य क्या होगा जो स्टैक के अतिप्रवाह का कारण नहीं बनता है। तो 36 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी 10। और आगे आ जाते हैं 37 पर, MS Excel में इक्वस टू LCM 5735 का आउटपुट होगा। 37 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35। आगे चलते हैं 38 पर, 38 में कहा गया है MS PowerPoint में हम डैश कुंजी के प्रयोग से स्लाइड शो शुरुआत से चला सकते हैं तथा डैश कुंजी के प्रयोग से वर्तमान स्लाइड से। 38 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, F5 और Shift plus F5। 39 पर आ जाते हैं, 39 में कहा गया है जैसा कि, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको चैनल उपलब्ध करवाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन। यूट्यूब पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 39 MS PowerPoint में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू निम्न में से कौन सा है। 39 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन नंबर ए। और 40 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मेमोरी कार्ड के संदर्भ में SD तथा MMC का तात्पर्य है। 40 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड, सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड। और 41 पर आ जाते हैं, जैसा कि 41 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, एमएस वर्ड में GUTTER गटर किससे संबंधित है, तो 41 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्जिन्स से, ऑप्शन नंबर सी मार्जिन्स। 42, एमएस वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, एक डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट बिंदु के नामकरण के लिए डैश बनाएं, तो यहां पर आपके 42 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा वर्कबुक, ऑप्शन नंबर डी बुकमार्क, ऑप्शन नंबर डी बुकमार्क, ऑप्शन डी बुकमार्क। 43 पर आ जाते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट कहलाता है, तो 43 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा वर्ड आर्ट, ऑप्शन नंबर बी। और 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो 44 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। और 45 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, तो यहाँ पर आपके 45 नंबर क्वेश्चन में ए आ जाएगा टेराबाइट। और 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर नहीं है, कौन सा नहीं है, 46 में बी आ जाएगा यहाँ PDP 11 है। और अगला आ जाता है 47, बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए बैंकिंग उद्योग द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, 47 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी MICR। 48 में जैसे कहा गया है, यदि तीन धागे एक ही समय में एक वस्तु को साझा करने का प्रयास कर रहे हैं तो इस परिदृश्य में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, 48 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी रेस कंडीशन। और 49 पर आ जाते हैं, रिलेशन डाटाबेस में मिनिमल सुपर कीज डैश कहलाता है, तो 49 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कैंडिडेट कीज। और आगे चलते हैं 50 पर आ जाते हैं, 50 में जैसा कि कहा गया है 50 नंबर क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है डिसीजन टेबल में बाएं नीचे का चतुर्थांश डैश कहलाता है, 50 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्शन स्टब। 51, सूचना संग्रहण के संदर्भ में रैंकिंग स्केल प्रश्न में उत्तरदाता से कहा जाता है, 51 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु सूची को उपयोगिता के क्रम में श्रेणीबद्ध करने के लिए। और आगे आ जाते हैं 52 नंबर के क्वेश्चन पर, 52 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है, समा चाहूँगा दोस्तों, 52 नंबर के क्वेश्चन पर आपको फिर से लेकर आ जाता हूँ। और 52 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है, एक रिलेशन जिसमें प्रत्येक नॉन की एट्रीब्यूट पूर्ण रूप से प्राथमिक कुंजी पर फंक्शनली आश्रित निर्भर हो तथा जिसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी निर्भरता नहीं हो डैश में होता है, तो 52 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 3NF। 53 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर जटिलता का मापक है, 53 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कोड की पंक्ति संख्या LOC। और 54 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं 54 पर, और 54 में यहाँ कहा गया है परीक्षण स्तर निम्नलिखित में से किस क्रम में किया जाता है, तो यहाँ पर आपके 54 नंबर के क्वेश्चन में बी आ जाएगा, यह परियोजना की प्रकृति पर आधारित है। 55, कौन सी टेस्टिंग एक विशेष मॉड्यूल की बहुत अधिक टेस्टिंग पर केंद्रित है, 55 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा गोरिल्ला टेस्टिंग। और आगे चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके 56 नंबर का। 56 नंबर के क्वेश्चन पर आने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, आपको फिर से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको उपलब्ध करवाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन, और साथ ही ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा मास्टर पेपर आपको सॉल्व पेपर उपलब्ध करवाता है, जैसा कि इस वीडियो में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं, जैसा कि ये पेपर है आपके आगामी भर्तियों के लिए, ये प्रीवियस ईयर का पेपर्स जल्द ही आपके हो जाएगा, और इस प्रीवियस ईयर के पेपर्स से आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन आपके बहुत सी एग्जाम्स में आने लगे हैं, तो वहाँ पर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन के लिए आपको ये पेपर देखना होगा। GK क्वेश्चन के लिए आपको कंप्यूटर भर्ती के पेपर देखने होंगे, जो कि आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं दोनों पेपर, तो आपको लिंक जो है वो दूसरे पेपर का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही आगे भी आपको पेपर्स मिलते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बता देना चाहूँगा कि आपको क्या करना है, आपको करना ये है दोस्तों कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, और साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आंसर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं और भी पेपर्स।
सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट के लिए पहला कदम है 56 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा 56 में ऑप्शन नंबर डी अध्ययन परियोजना की घोषणा करें, अध्ययन परियोजना की घोषणा करें। 57 निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है। 57 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैश मेमोरी। 58 पर आ जाते हैं, 58 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है जावा में निम्न में से किस विधि से स्ट्रिंग बनेगी। आई स्ट्रिंग एस बराबर हेलो जावा, सेकेंड स्ट्रिंग एस टू बराबर न्यू स्ट्रिंग हेलो जावा। तो यहाँ पर आपके 58 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। और 59 में से कौन सा क्रमश लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर है। 59 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्रम प्रिंटर लेज़र प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। 60 पर आ जाते हैं, 60 में कहा गया है एंड टपल वाले रिलेशन एम्प्लॉई पर यदि SQL कमांड डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई निष्पादित की जाती है तो एम्प्लॉई रिलेशन से डैश हट जाएगा। 60 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी एंड टपल्स, सभी एंड टपल्स। 61 पर आ जाते हैं, 61 निम्न में से कौन सा SQL में स्कीमा परिवर्तन कथनों का उचित युग्म है। 61 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ड्रॉप अल्टर, ड्रॉप अल्टर। 62 पर आ जाते हैं, 62 में कहा गया है सत्य कथन का चयन कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो आपके 62 में ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा, यहाँ सी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। फर्स्ट बाइनरी सर्च लिनियर सर्च की तुलना में तेज है और सेकंड बाइनरी सर्च उन सभी इनपुट लिस्ट पर लागू नहीं की जा सकती जिन पर लिनियर सर्च लागू होती है। आगे आ जाएगा अगला क्वेश्चन आपके 63 और इसमें कहा गया है एक लिनियर एरे LA की लोअर बाउंड LB तथा अपर बाउंड UB है, निम्न एल्गोरिथम पर विचार करें। यह आपके एल्गोरिथम दिया हुआ है रिपीट फॉर K बराबर LB टू UB अप्लाई प्रोसेस टू LA के और सेकंड है एग्जिट। यह एल्गोरिथम एरे LA को डैश करती है। 63 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ट्रेवर्स, ऑप्शन नंबर सी ट्रेवर्स। 64 संबंध परक बीजगणित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यूनरी ऑपरेटर है। तो यहां पर 64 में सी आ जाएगा आपके एक और दो, एक सिलेक्ट और सेकंड प्रोजेक्ट, सिलेक्ट और प्रोजेक्ट। 65 निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस ऑब्जेक्ट भौतिक रूप से मौजूद नहीं है। 65 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यू, ऑप्शन नंबर सी व्यू। और आगे चलते हैं अगले पर 66 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट VWXYZ और प्राथमिक कुंजी विशेषताओं वाले रिलेशनल स्कीमा में सुपर की नहीं है। 66 में आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा VWXZ। 67 पर आ जाते हैं, 67 में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिए गए हैं आपके और मिलान करने के लिए कहा गया है। और 67 में आपके ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा, 4, 1, 2 और 3 वाला, ठीक है। DDL 4 पर चला जाएगा रिवोक, और फिर अगला है DML लॉक टेबल, और फिर अगला है आपके TCL जो कि कॉमेट संबंधित, और अगला आपके आ जाता है बाइनरी ऑपरेशन और ये आ जाएगा नेचुरल डिफरेंस, ठीक है। तो आपके आ जाएगा यहाँ पर 4, 1, 2 और 3 वाला ऑप्शन। 68 पर आ जाते हैं हम, टपल रिलेशन कैलकुलेशन में P1 P2 बराबर है। तो 68 में आपके ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा P1 P2 वाला, ठीक है। P1 और एरो नीचे की तरफ है P2। और 69 पर आ जाते हैं, 69 में जैसा कि यहाँ कहा गया है, 69 में दोस्तों कहा गया है आपके रिलेशनल डाटा में हेरफेर करने के लिए कौन से ऑपरेशनों के मूल सेट का गठन करते हैं। तो यहाँ पर 69 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा रिलेशनल एल्जेब्रा। 70 नेटवर्क लेयर फायरवॉल डैश के रूप में कार्य करता है। 70 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी पैकेट फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी पैकेट फिल्टर। 71 पर आ जाते हैं डैश एक मैलीशियर सॉफ्टवेयर है जो किसी OS की नियमित कार्यात्मकता को बदल देता है, टारगेट सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण कर पीड़ित के सिस्टम पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भांति कार्य करता है। 71 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूट किट। और आगे आ जाते हैं हम 72 पर, 72 में जैसा कि यहाँ कहा गया है
हैक्टिविज्म डैश है, हैक्टिविज्म डैश है, तो यहाँ पर आपके 72 में ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी, राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का कार्य। और अगला आ जाता है 73, और 73 में जैसा कि यहाँ कहा गया है, 73 कहा गया है सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीक की पहचान करें जिसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए करते हैं। 73 में आ जाएगा बी, फ्रीकिंग, ऑप्शन नंबर बी फ्रीकिंग। 74 पर आ जाते हैं, एक रैम चिप की क्षमता 8 बिट्स के 1024 शब्दों की होती है। 1KX 8 रैम से 16 रैम बनाने के लिए आवश्यक सक्षम लाइन वाले 2×4 डिकोडर की संख्या है। 74 में आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर बी 5। 75 एक छोटा बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम स्थित है। 75 में आ जाएगा बी, रोम में, ऑप्शन नंबर बी रोम में। 76 और 76 में आपके क्वेश्चन जैसा कि कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में उपयोग होता है, तो यहाँ पर आपके 76 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, एयर क्रैक एनजी। और अगला है 77 डैश एनकोडिंग योजना में प्रत्येक 24 बिट के 6 बिट खंड बन जाते हैं और अंततः 32 बिट के रूप में भेजे जाते हैं, तो यहाँ पर 77 में आपके ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी, बेस 64, BASE बेस 64। और 78 पर आ जाते हैं, 78 में जैसा कि यहाँ कहा गया है FTP में 3 प्रकार के डैश, स्ट्रीम, ब्लॉक और कंप्रेस्ड है, तो यहाँ पर आपके 78 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिशन मोड्स। और 79 है चेक सम का प्रयोग किया जाता है, 79 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रुटि पहचानने के लिए, ऑप्शन नंबर बी त्रुटि पहचानने के लिए। 80 में यहाँ कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है इनपुट एरे 32, 51, 27, 85, 66, 23, 13, 57 पर बबल शॉट का प्रथम पास पूर्ण करने के लिए उपरांत आउटपुट लिस्ट क्या होगी। 80 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32, 27, 51, 66, 23, 13, 57, 85। 81 एमएस एक्सेल के संदर्भ में बेमेल का चुनाव करें, 81 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोर्ट्रेट, ऑप्शन ए पोर्ट्रेट। 82 एक विशेष सॉफ्टवेयर जो जॉब क्यू क्रिएट करता है डैश, उसे डैश कहा जाता है। 82 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पूलर, ऑप्शन डी स्पूलर। पासवर्ड क्रैकिंग तकनीक के रूप क्या हैं, तो 83 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हैं, अटैक सिलेबल, अटैक बूट फोर्सिंग और अटैक हाइब्रिड, और ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा उपरोक्त सभी। 84 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती का पूरा पेपर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, मास्टर पेपर, सॉल्व पेपर, ऑफिशियल आंसर के आधार पर फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों आपको उपलब्ध करवाए गए हैं बेसिक कंप्यूटर निदेशक के, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दूसरे पेपर का, ठीक है। ये सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर का आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर से देख लीजिएगा। 84 में गलत कथन छाटिए कौन सा गलत है, और 84 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यदि हम किसी वेरिएबल को फाइनल घोषित करते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू को फाइनल मेथड में मॉडिफाई किया जा सकता है, ये वाला कथन गलत है। 85 में कहा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने स्टेट प्रोसेस कर सकते हैं, 85 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 5। आगे चलते हैं 86 पर आ जाते हैं, 86 में कहा गया है विंडोज़ 95 की एक INT फाइल है, 86 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक टेक्स्ट फाइल। 87 एक कंटिन्यूस सेमाफोर 8 से इनिशियलाइज्ड किया गया है, फिर 12 पी वेट ऑपरेशन एवं 7V सिग्नल ऑपरेशन इस सेमाफोर पर पूर्ण किए गए हैं, इसके परिणाम स्वरूप सेमाफोर की वैल्यू होगी, 87 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। आगे चलते हैं अगले पर, 88 पर आ जाते हैं, 88 में कहा गया है दोस्तों जावा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो यहाँ पर 88 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी सही है, केवल एक वर्ग को इनहेरिट कर सकता है जो कई इंटरफेस लागू कर सकता है। 89 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एआई में कौन सा एजेंट हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से संबंधित है? 89 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई में कौन सा एजेंट हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से संबंधित है? 89 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। और आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, जैसा कि अगला क्वेश्चन आपके 90 नंबर का है। और चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको चैनल उपलब्ध करवाता है, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ ही ऑफिशियल आंसर के आधार पर पेपर सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध हो जाता है इस वीडियो में, जैसा कि आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, एसक्यूएल में डैश एक एग्रीगेट फंक्शन है। 90 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी एवीजी, ऑप्शन नंबर सी एवीजी। और अगला है 91, पीटीआर डाटा एक डेटा टाइप का सूचक है जो व्यंजक पीटीआर डाटा प्लस प्लस का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है, सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर 91 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यहाँ पर स्टार पीटीआर डाटा प्लस प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ है। और 92 पर आ जाते हैं, 92 में जैसा कि यहाँ कहा गया है, 92 में कहा गया है, मान ले कि पी और क्यू गैर शून्य सकारात्मक पूर्णांक है, निम्न प्रोग्राम खंड प्रदर्शन करेगा। यहाँ पर ये प्रोग्राम खंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जो बैठ रहा है इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा, दी गई संख्याओं के जी सी डी की गणना करेगा। आगे आ जाते हैं अगले पर, अगला क्वेश्चन है 93 में कहा गया है, आप अपनी स्क्रीन के केवल एक हिस्से का स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्नैपिंग टूल मेन्यू खोलने के लिए कमांड है। 93 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस एस, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एफ एस एस। 94 में कहा गया है, ज्ञात कीजिए एक्स बराबर क्या होगा यदि 35 यदि 356 8 बराबर एक्स 16। तो यहाँ पर आपके 94 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, डबल ई, ऑप्शन नंबर ए डबल ई। 95 पर आ जाते हैं, 95 में कहा गया है, 95 नंबर क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है आपके 95 में, एक्सेप्शन हैडलिंग के बारे में कौन सा कथन सही है? और 95 में ए आ जाएगा, ए 1, 2 और 4, एक कैच ब्लॉक के बिना ट्राई ब्लॉक हो सकता है लेकिन इसके विपरीत संभव नहीं है, 2 किसी एक ट्राई ब्लॉक के लिए कितने भी कैच ब्लॉक हो सकते हैं, और 4 किसी कोड को प्रोग्राम के प्रत्येक रन के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए कोड को फाइनली ब्लॉक में लिखा जाता है। आगे आ जाते हैं अगले पर, 96 पर, कौन सी एक स्टेट वायरस लाइफ साइकिल में सम्मिलित नहीं है? 96 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट, ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट। 97 पर आ जाते हैं हम, 97 में यहाँ कहा गया है, 97 में कहा गया है दोस्तों, कौन से कथन सत्य हैं? और 97 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही हैं, 2 और 3 सही हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड घोषित नहीं किए जा सकते, और थर्ड कभी कभी हम सीधे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आगे आ जाते हैं अगले पर, 98 पर आ जाते हैं हम, और जैसा कि 98 में कहा गया है, सी में विभिन्न प्रकार के रियल डाटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप कौन से हैं? 98 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के अनुसार फ्लोट डबल लॉन्ग डबल। 99 पर आ जाते हैं, 99 में कहा गया है, निम्नलिखित कोड के निष्पादन के बाद परिणाम क्या है यदि ए 10 है, बी 5 है और सी 10 है? तो यहाँ पर ये आपके कथन दिया हुआ है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एम परसेंट, ए लेस देन इक्वल्स टू सी, ए बराबर ए प्लस एल एल्स, सी बराबर सी प्लस एल सेमिकोलन। तो यहाँ पर 99 में आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ए बराबर 11 सी बराबर 10। दोस्तों द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले, प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर सॉल्व पेपर आपको उपलब्ध करवाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा पाइथन लैंग्वेज में सही नहीं है? 100 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स वाई जेड पी बराबर 5000, 6000, 7000, 8000। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, और पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो
जाकर चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आंसर की के नाम से क्रिएट की हुई है। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, धन्यवाद दोस्तों।